हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे हैं, यानी केंद्रीय संस्थान है आपका। और यहाँ पे सेशन आपका 23-24 रहेगा। नया नोटिफिकेशन है, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको 10+ देखने को मिलेंगे। सीट्स नोटिफाइड की नहीं गई हैं, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और सिर्फ आपका इंटरव्यू ही होगा। यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कोई होगा नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू देके यहाँ पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और फेलोशिप भी अवेलेबल है, अगर आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सी सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिटेल्स में आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करके इनका लाभ आप ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी IISER भोपाल की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत ही बेहतरीन है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। ये आपके ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहाँ पे एडमिशन 2023-24 मेंशन किया गया है, लिंक आप देखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपके अदर प्रोग्राम्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेटेड पीएचडी, पीएचडी और पीएचडी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो मैं पीएचडी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम इसे टिक कर लेंगे। और जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी 2024 के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे आप नेचुरल साइंस, इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल साइंस की तो ये आपकी सब्जेक्ट दी गई हैं, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की तो ये आपके यहाँ पर दी गई हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किन सब्जेक्ट्स में आवेदन पत्र मांगा गया है वो नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें आपकी जनरल एलिजिबिलिटी के बारे में, तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों यही है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में आपके जो परसेंटेज है नीचे अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री की बात की गई है, जिसमें आपके अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, साथ यहाँ पर अन्य आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी एलिजिबिलिटी दी गई, जिसमें बताया गया कि ये आपके पास होना ज़रूरी है, कोई आपके पास एक होगी तभी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए मास्टर डिग्री के बाद, या फिर आपके पास यहाँ पे यूजीसी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है, या फिर CSIR का नेट JRF है, या फिर NBHM आपने क्वालिफाई किया है, या फिर आपने यहाँ पे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम MHRD के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उसे आपने क्वालिफाई किया है, या फिर आप यहाँ पे DST इंस्पायर फेलोशिप में आप सिलेक्टेड हैं, अगर आपने इसमें सेलेक्टेड हैं आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने BTEC किया है IIT से, या फिर आपने BS MS किया है इसी इंस्टीट्यूट से, और उसमें आपका जो CGPA है वो 8.0 से अबव है 10-point स्केल पे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तो मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री के बाद आवेदन कर सकते हैं, साथ यहाँ पर आपके पास ये इसमें से क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तभी आवेदन आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो आपके परसेंटेज होने चाहिए मास्टर डिग्री में, 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और यहाँ पे आप अगर कैटेगरी से आएंगे तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपके रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। इसके साथ यहाँ पे बात करें कि आपको यहाँ पे कैसे अपने परसेंटेज या फिर अपने मार्क्स जो हैं या फिर आपके जो ग्रेड हैं उसे कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये आपके यहाँ पे फार्मूला दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग अपने जो परसेंटेज या फिर मार्क्स हैं उन्हें ग्रेड में या फिर जो आपकी ग्रेड है उन्हें मार्क्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे एज लिमिट भी रखी गई है, तो यहाँ पे अगर आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे 28 साल के हैं या फिर उससे कम हैं तो यहाँ पे एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरीज के नेम दिए गए हैं, तो इनसे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिल सकता है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फेलोशिप मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो भी नियम और शर्तें हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू सिर्फ कंडक्ट कराया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू दोस्तों आपको ईमेल के माध्यम से आपको पता चलने वाला, बाकी ऑफिशियल साइट भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है,
तो ऑफिसर साइट भी आप प्रॉपर विजिट करते रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपका यहाँ पे TA वो भी यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू में अपेयर होंगे। इसके साथ ही आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में तो ये आपके यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड रिसर्च एरियाज दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस के लिए आप चेक करना चाहते हैं कि किन सब्जेक्ट्स लिए या फिर किन रिसर्च एरियाज में आवेदन कर सकते हैं तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके यहाँ पे रिसर्च एरियाज मेंशन कर दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और इनमें PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया, तो यहाँ पे बताया गया कि आपके पास MSc है, MTech है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और यहाँ पे आपके पास कोई भी एक स्पेशल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 2023 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस से तो ये यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं उनके नाम और ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है तो इन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनसे आप संपर्क कर पाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आपके यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस दिया गया है, अगर हम बात करें आपके सेकंड डिपार्टमेंट्स के बारे में तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग दिया गया, केमिस्ट्री, डेटा साइंस है जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें अन्य डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस, तो यहाँ पे ह्यूमनिटीज़ के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, मैथमेटिक्स के भी एलिजिबल हैं, फिजिक्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे ह्यूमनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपके ह्यूमनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जिसमें आवेदन पत्र मांगा गया वो फिलोसफी यहाँ पे सिर्फ दी गई, इसमें ही आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे भी सभी के जो आपकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की तो 16 अक्टूबर 2023 है, उससे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना आगे हम आपको बता देंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे, बाकी यहाँ पे आप इनके पॉइंट्स चेक कर पाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं। जो भी आपके PhD से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो यहाँ पे आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे आपको अप्लाई करना है तो यहीं पे आप देखेंगे ये लिंक दिया गया है क्लिक हेयर का, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने का पेज है ओपन हो जाएगा। गूगल फॉर्म आपका ये है, यहाँ पर लास्ट डेट फिर से आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए उन पर आपको टिक करके नेक्स्ट हो जाना है। देन यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उसे कंप्लीट करके आप भर सकते हैं। तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे IISER भोपाल की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे, जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। और इस नोटिफिकेशन में PhD से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स मैंने बता दिए, बाकी अन्य पॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।